फ्रेंड्स एंड फैमिली, आज का हमारा ओपन जिम बेली फैट वर्कआउट आप सबके लिए लेके आया हुआ हूं मैं, जहां पे आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि इस ओपन जिम में हम किस तरीके से वर्कआउट करके हमारे बेली फैट को कट कर सकते हैं। तो प्लीज आप सब मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को अच्छे से देखते हुए पूरे वर्कआउट को परफॉर्म करिएगा। कहीं भी आसपास आपके जो ओपन जिम्स है वहां पे आप जाके कर सकते हैं इस वर्कआउट को और अपने बेली फैट को कट भी कर सकते हैं। और हाँ, जितने भी नए भाई देख रहे होंगे, वीडियो पसंद आएगी तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, क्योंकि यार मैं ऐसी रूटीन वर्कआउट्स वीडियो आप सबके लिए लेके आता रहता हूँ, जिससे आप सबको हेल्प मिल सके नेचुरल मसल बिल्डिंग गोल को अचीव करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यार आज जो वर्कआउट हम स्टार्ट करने वाले वो बॉडी वेट और साथ में ओपन जिम के जो इक्विपमेंट है उसको यूज करते हुए करेंगे। कैसे करेंगे आप देखिए, फर्स्ट हम यहाँ पे फ्रॉग जंप 10 बार परफॉर्म करेंगे, उसके बाद 10 बार इसे करेंगे जो दोनों साइड ट्विस्ट करते हुए करना है, दोनों साइड करेंगे तब एक बार होगा, ऐसी 10 बार कर लेना। फर्स्ट इसे 10 बार, फिर देन इसे 10 बार, ये दोनों जैसी 10 बार हुआ फिर तुरंत आप यहां पे आ जाएंगे और इसे एटलीस्ट आप कम से कम 30 सेकंड तक करेंगे, ठीक है। तो ये तीनों वर्कआउट को आप एक साथ ऐड कर लीजिएगा, तब आपका एक सेट होगा। ऐसे ही आपको इसके 3 सेट परफॉर्म करने, जहां आपका वार्म अप और 100% बैली पे इफेक्ट आपको दिख जाएगा इसके बाद। तो यार यहाँ पे अब हमारा राउंड 2 है, जो कि फिर से बॉडी वेट और यहीं के मशीन का यूज करते हुए हम परफॉर्म करेंगे वर्कआउट को। तो फर्स्ट आप यहाँ पे माउंटेन परफॉर्म करेंगे 10 बार, जो आपके बैली के लिए सबसे इफेक्टिव वर्कआउट होगा। और जैसे ही आप माउंटेन किए 10 बार, फिर आप स्पाइडर को 10 बार परफॉर्म करेंगे। जैसे ये दोनों 10-10 बार हो जाएगा, फिर आप इधर आ जाएंगे। स्पाइडर 10-10 बार करने के तुरंत बाद आप यहां पे आएंगे और इस तरीके से हैंगिंग रेजेस को परफॉर्म करेंगे 10 बार। तो यहाँ भी आपको तीनों वर्कआउट को एक साथ ऐड करते हुए परफॉर्म करना है, तब आपका एक सेट होगा। ऐसे ही आप इसके 3 सेट परफॉर्म करने के बाद 100% चेक करके देख सकते हैं कि आपके बैली साइड फैट में इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं, क्योंकि यार खुद से इमेजिन करना भी बहुत जरूरी है, इसलिए पोज भी करते रहना, उससे आप वैक्यूम हीट कर पाएंगे और अच्छे से आप देख पाएंगे कि आपके जो बैली है वो एरिया टारगेट हो रहे कि नहीं हो रहे वर्कआउट के थ्रू, इसलिए पोजिंग भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आपको तीनों वर्कआउट को एक साथ ऐड करते हुए परफॉर्म कर लेना, तब एक सेट होगा, ऐसे 3 सेट कर लेना। इसके बाद यार ये राउंड 3 भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपके लोअर बैली को टारगेट करेगा, बस आप अच्छे से परफॉर्म करिएगा। फर्स्ट यहाँ पे आपको हाई नी करना है 10 बार इस तरीके से, जैसे हाई नी कर लेंगे उसके बाद तुरंत आप इसे करेंगे 10 बार। जैसे ये दोनों 10 बार हो जाएगा, 10 बार हो जाएगा, इसके तुरंत बाद आप यहां पे आएंगे और इस तरीके से इसे भी 10 बार करेंगे। वैसे यार ओपन जिम वर्कआउट भी कोई बुरा नहीं है, ये भी अच्छा खासा इफेक्ट डाल रहा है बैली पे, तो एक्सक्यूजेस देना बंद करो यार, जिम जाने का टाइम नहीं हो पाता है या जिम नहीं जा पाते। आप कहीं भी अपने ट्रेनिंग को कर सकते हैं, बस आपके अंदर लगन होना चाहिए और कहीं भी आप अपना रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ भी जब ये दोनों वर्कआउट को, सॉरी ये तीनों वर्कआउट को आप एक साथ ऐड करते हुए परफॉर्म करेंगे, तो एक्सट्रीम एनर्जी बर्न होगी या एक्सट्रीम कैलोरी बर्न कर पाएंगे आप और अपने बैली फैट को इजीली कट कर पाएंगे इसके बाद। तो यार ये हमारा वर्कआउट नहीं है, ये स्ट्रेचिंग है कि हमारे लोअर बैक पेन या फिर बोला जाए तो इतना करने के बाद हम थक चुके होंगे, तो एक स्ट्रेचिंग कर लेते हैं जिसमें हमको बहुत अच्छा फील हो सके और हम फिर से अपने वर्कआउट को और अच्छे से कर सकें। तो फर्स्ट आप इस तरीके से ट्विस्टिंग करेंगे, जो आप 10 बार कर लेना, दोनों साइड करेंगे तब एक बार होगा, ऐसे 10 बार कर लेंगे इसके तुरंत बाद, फिर ये जिससे आप और ज़्यादा अच्छे से अपने साइड फैट को कट कर पाएंगे। एंड देन फिर आप सिंगल सिंगल हैंड से दोनों साइड कर लेना ये, तो ये आपके साइड फैट का स्ट्रेचिंग हो गया
और जो बैक पेन आपको पकड़ा होगा इस वर्कआउट के बीच में, कि जिनका बॉडी फैट परसेंट ज़्यादा रहता है, जब भी वो इस तरीके से कार्डियो और बेली फैट वर्कआउट करते हैं तो बैक पेन में अक्सर थोड़ा सा पेन आता ही है। तो ये रिलैक्स भी करेगा और दूसरा आपके साइड फैट को कट करने का काम भी करेगा। तो इससे भी आप लोग तीनों वर्कआउट को 10-10 करते हुए 3 सेट परफॉर्म कर लेना, तीनों को एक साथ करना, तब जाके एक एक्सट्रीम रिजल्ट देख पाएंगे आप साइड फैट में भी कट करने के। ठीक है, तो तीनों को एक साथ ऐड करके परफॉर्म करेंगे तब एक सेट होगा, ऐसे 3 सेट कर लेना इसके बाद। तो यार अब हमारा जो एक तरीके से तीसरा, तो ये हमारे वर्कआउट का तीसरा राउंड है जहाँ पे हम बॉडी वेट और एब्स को परफॉर्म करने वाले। कैसे करेंगे वो आप अच्छे से देख लीजिए। फर्स्ट आप 1 मिनट का प्लैंक सिंपल वाला परफॉर्म करेंगे जो इस तरीके से होगा। इसके बाद साइड प्लैंक जो आप 30 सेकेंड तक करेंगे, दोनों साइड का दिखा दे रहा हूँ। 30-30 सेकेंड का आप साइड प्लैंक ले लेंगे और 1 मिनट का नॉर्मल प्लैंक परफॉर्म करेंगे। और इसी के तुरंत बाद यहाँ पे आप इस वर्कआउट को परफॉर्म करेंगे जो आपका 10 बार होगा। तो यहाँ भी यार ये तीनों वर्कआउट को आप एक साथ ऐड करते हो परफॉर्म करना, वैसे आपके लिए डेमो बना रहा हूँ, बट रियली बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप ऐसे ओपन जिम में भी टारगेट कर सकते हैं अपने एप्स को और इजीली विजिबल कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लैंक 1 मिनट 30 सेकेंड, उसके तुरंत बाद इसे आप आके 10 बार परफॉर्म करेंगे, तब आपके कोर के सारे मसल्स अच्छे से टारगेट हो पाएंगे और आपको एक अच्छा रिजल्ट दिखा पाएंगे। तो यहाँ इसे भी आप 3 सेट परफॉर्म कर लेना तीनों को एक साथ ऐड करते हुए इसके बाद। तो यार ये हमारे वर्कआउट का लास्ट राउंड है जहाँ पे हम पूरा कोर का वर्कआउट करने वाले हैं और इसकी हेल्प से करेंगे। और यहाँ आपको कोई कार्डियो की जरूरत नहीं है ऐड करने की। फर्स्ट आप क्रंचेस को परफॉर्म कर लेना, जो आपको इस तरीके से करना है, पूरा नीचे एंड अप, पूरा नीचे एंड अप। इसे आप करेंगे 10 बार। जैसे ही ये 10 बार हो जाएगा, फिर यार यहीं पे दिया हुआ है तो शिफ्ट कर लेता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसे परफॉर्म कर लेना जो आपका 10 बार होगा और फिर साइक्लिंग को ऐड कर देना तुरंत 10 बार। तो यहाँ भी है तीनों वर्कआउट को आप एक साथ ऐड करते हुए परफॉर्म करेंगे तब एक सेट होगा, ऐसे 3 सेट परफॉर्म कर लेना। यहाँ पे हमारा ओवरऑल पूरा बेली फैट कट करने का वर्कआउट कंप्लीट होता है, जो आप कहीं भी ओपन जिम में परफॉर्म कर सकते हैं और एक्सक्यूजेस नहीं दे सकते कि यार जिम नहीं जा पाया तो मैं अपने फैट को कट नहीं कर सकता। इसलिए मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए सारे कंटेंट लेके आता रहूंगा। बस ऐसे ही आप अपना सपोर्ट और प्यार बना के रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड सपोर्टिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।